जो सिद्धि है वही जीतेगा। स्त्रियों की ये पांच गलतियां उन्हें बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो औरतों की वजह से बहुत बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं और आगे भी होंगे। आपने देखा होगा कि कई लोगों की प्रॉब्लम यही है कि उनका लाइफ का, जिसे कहते हैं ना, एक एपिक सेंटर या फिर आप कहें एक सेंटर ऑफ यूनिवर्स ही है लड़कियां या औरतें, या फिर अगर उनके दिमाग को विचलित करने वाली कोई चीज़ है तो दे गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय वुमेन। औरतों से विचलित हो जाने वाले लोगों के लिए ये वीडियो है, और औरतों की मैं गलतियां भी बताऊंगा जो बर्बाद करती है उनको भी और उनके साथ रहने वाले आदमियों को भी। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक करिएगा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं कि झूठ बोलने वाली औरतें तो खुद को तो तंग करती हैं, बर्बाद करती हैं, दूसरों को भी बर्बाद करते हैं। सपोज करिए आपने किसी से शादी करी या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो आपसे झूठ बोलती है। अब ये झूठ कैसा भी हो सकता है, ये झूठ ऐसा भी हो सकता है कि पैसों से रिलेटेड झूठ हो या फिर उसका कोई अफेयर हो वो आपसे झूठ बोलती हो। इन शॉर्ट जो औरतें झूठ बोलती है निश्चित तौर पे वो घर को, कुल को, हर चीज़ को बर्बाद करती है। आपने ऐसा भी देखा होगा बहुत बारी ऐसी औरतें हैं जो बिन बात पे झूठ बोलती है, जहाँ झूठ बोलने की नहीं भी ज़रूरत वहाँ भी झूठ बोलती हैं। ऐसी औरतें हमेशा बर्बादी को अपनी ओर बुलाती हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ है जो औरतों की सबसे गलत जो बर्बादी करती है चाणक्य जी के द्वारा, धन का लालच करना। आपने देखा होगा बहुत सी औरतों को बहुत ज़्यादा धन की लालच होती है। अब वो लालच किसी भी एक्सपेक्ट में हो सकती है, या तो उन्हें शॉपिंग करने की लालच हो या फिर बाहर घूमने की लालच हो। उस बाहर घूमने में पैसा चाहिए और वो पैसा अल्टीमेटली आदमी को ही ज़्यादातर खर्च करना पड़ता है। देखिए दोस्तों औरतें आपसे बोलेंगी कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम कमाती हैं खुद। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो अपने पति पे डिपेंड मत रहिए, बॉयफ्रेंड पे डिपेंड मत करिए, और अगर आप डिपेंडेंट नहीं हैं तो आपको समझना चाहिए कि जो जितना कमाता है उतना ही वो खर्चा कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ये चीज़ें औरतों को समझनी चाहिए कि धन की लालच से वो सिर्फ अपने घर परिवार को बर्बाद करती है। बहुत सी औरतों के अंदर ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी सहेली को देख लेती हैं कि किसी अमीर बॉयफ्रेंड के साथ वो है या फिर अमीर पति के साथ है, तो उनको उससे प्रॉब्लम होती है। ये चुभन, चिड़न और जलन ये एक ऐसी चीज़ है जो उनका खुद का घर ही बर्बाद कर देती है। दोस्तों ऐसी औरतें, लालची औरतें हमेशा बर्बादी का कारण बनती हैं। दोस्तों इसके बाद जो तीसरे नंबर की चीज़ आती है वो है नखरे दिखाना। जो औरतें बेवजह के नखरे दिखाती हैं वो अक्सर संकट में आ जाती हैं। कई बार 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 नखरे दिखाने से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और जो साथी आपका होता है वो आपसे ऊब जाता है, वो आपको छोड़ने के बारे में सोच लेता है। इसलिए बिन बात के नखरे कभी कभार नुकसानदायक हो सकते हैं। दोस्तों इसके बाद चौथी चीज़ की मैं बात करूँ तो ओवर कॉन्फिडेंट होना। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कुछ महिलाएं होती हैं। देखिए कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, मगर ओवर कॉन्फिडेंट में कोई ऐसा गलत कदम उठा देना या गलत काम कर देना, कई बार आपने देखा होगा कि महिलाएं, देखिए दोस्तों अभी आजकल दिल्ली के अंदर आपने देखा ही होगा कि एक बॉयज़ लॉकर रूम चल रहा है, उसमें काफ़ी लड़कों को कोसा गया, ये है ऐसे हैं लड़के ऐसे हैं, बट अंत में ये हुआ कि एक लड़की ही उस अकाउंट को हैंडल कर रही थी। और बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, आदमियों को दोषी ठहराते हैं कि भाई आदमी गलत है, आदमी के साथ ऐसा है, आदमी की गलती है। कई बार आदमी सही होता है। दोस्तों कोर्ट में आप जाएंगे तो हमेशा आदमी को, ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर आदमी को ही पैसा देना पड़ता है औरत को शादी टूटने पर। हर एक केस में आदमी को बहुत भारी। ऐसे भी कुछ आदमी हैं जो अपनी ज़िंदगी को छोड़ देते हैं ये सोच कर कि हम कहाँ से पैसा पूरा करेंगे। दोस्तों इस मुश्किल भरे दौर में जो अच्छे से रहता है, जो प्यार से रहता है, दूसरों की सुनकर, पड़ोसियों की सुनकर, रिश्तेदारों की सुनकर, अपनी लड़कियां अक्सर अपने माँ बाप की सुनकर अपने घर को वेस्ट करती हैं, ऐसा काम करने वाली महिलाएं अक्सर दुख भोगती हैं। दोस्तों लास्ट में बिना सोचे समझे काम को स्टार्ट करने वाली लोग औरतें भी बर्बादी का अपनी कारण बनती हैं। कई बार बहुत सी औरतें बिना सोचे समझे कोई काम को स्टार्ट कर देती हैं या फिर बिना सोचे समझे किसी भी काम को करने से पहले सोचती नहीं है कि इससे क्या लाभ होगा, क्या नहीं होगा, और जल्दबाजी में उसको स्टार्ट करके बाद में
दुख भोगती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर बर्बादी का कारण बनती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।